गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे बताया गया है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। कंडक्टर वो है जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसे बोलेंगे कंडक्टर्स, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे सॉल्यूशन से उसे बोलते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वो होते हैं जो विदाउट डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, जैसे मेटल, ग्रेफाइट और सर्टन मिनरल। ये किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें होने की वजह से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट, जब हम उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं और वो करंट पास कर देते हैं, उनमें कंडक्टेंस होती है, तब उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो इजिली पानी में डिसोशिएट हो जाए, उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, जैसे HCl, HNO3, NaOH, KOH। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो इजिली पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, उसे बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनेशन बोला गया है, जब हम पानी में इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो वो कितना डिसॉल्व हो रहे हैं, कितने उनके आयंस बन रहे हैं, उसे बोलेंगे डिग्री ऑफ आयनेशन। जो इसके लिए 1 होती है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की 1 होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेस देन 1 होती है। अब फैक्टर इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स यहाँ बोले गए हैं कि कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स को। तो यहाँ हम बोलेंगे कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतनी ही उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, और जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उतनी ही उसमें कंडक्टेंस कम होगी। जितना साइज बड़ा होगा आयंस का उतना ही उसमें कंडक्टेंस कम होगी, और अगर सॉल्वेशन ज़्यादा होगी, मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ आयंस विद सॉल्वेंट ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस भी उतनी ही कम होगी। जितना अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट बोला गया है कि जितना पोलर सॉल्वेंट होगा उतनी ही उसमें क्या होगी, आयनाइजेशन होगी, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, कनेक्टेंस ज़्यादा होगी। मगर विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी, मतलब कि घनापन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे कनेक्टेंस कम होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला गया, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ पे कनेक्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एसोसिएशन होना शुरू हो जाती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी डिसोसिएशन ज़्यादा होगी और उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब टॉपिक इसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले भी 10th क्लास में कि ओम्स लॉ। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि हर एक सब्सटेंस में रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है, जिससे जो हमें किस तरीके से पता चलता है, ओम्स लॉ से। तो हम बोलेंगे ये कंडक्टर है, उसमें हम करंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, करंट फ्लो करवा रहे हैं, यहाँ वोल्टेज ई को बोला गया है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, ई अपॉन आई। तो ई जो है वो क्या है, ई को हम बोलेंगे वोल्ट और आई को बोलेंगे एम्पेयर, उसको यूनिट डाल देंगे तो वोल्ट अपन एम्पेयर, मगर इसको हम ऐसा यूनिट इसकी ओम है साइंटिस्ट के नाम पे। उसके बाद हमने ये पढ़ना है कि जब हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद हमारा आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जितना यहाँ पे बोला जाएगा कि अगर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी कंडक्टेंस कम होगी, ये तो हमें पता है कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ कंडक्टेंस कम है, जहाँ कंडक्टेंस ज़्यादा है वहाँ रेजिस्टेंस कम है। तो मैं बोलूँगी अगर रेजिस्टेंस किसी का 10 ओम है तो उसकी कंडक्टेंस 1/10 ओम हो जाएगा, और इसको जो यूनिट होती है कंडक्टेंस की वो मो होती है, जिस रेसिप्रोकल ऑफ ओम। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिव और सिंपली कार कंडक्टिविटी। तो हमें पता है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं हटाऊँ तो रो हो जाएगा, यहाँ रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बोलूँ कि लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन किसी ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाएगा, तो आर इक्वल टू रो हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या है, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया की का रेजिस्टेंस जो होगा उसे रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो इसका रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे हमें पता है कि आर इक्वल टू 1/G होता है, और रो इक्वल टू, हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से डिनोट करेंगे, के से, रो इक्वल टू 1/K है। तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ इसमें, इस वाली इक्वेशन पे रो की जगह 1/K डाल दूँ, आर की जगह 1/G डाल दूँ, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर जी यहाँ पे, जी जो है यहाँ पे चला जाए, के यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे के इक्वल टू जी अपॉन ए हो जाएगा। लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो जाए, तो के इक्वल टू जी हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी 1 सेंटीमीटर लेंथ की या 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन, उसका जो कंडक्टिविटी होगी वो कप्पा के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया क्या, उनका कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जब हम 1 इक्विवेलेंट ग्राम सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो उसकी कंडक्टिविटी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लैम्डा ई क्यू से डिनोट करते हैं, के वी इंटू वी, ठीक है। अब वी की जगह अगर मैं डालूँ कि मैंने 1000 ग्राम या 1000 लीटर वाटर लिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर की वाटर लिया हुआ है, तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन इसकी जगह मैं डाल दूँगी 1000/C। तो यहाँ पे हम नॉर्मलिटी की बात करें, इसलिए हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा पूरा किसका,
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, जिसे हम न्यूमेरिकल भी निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं 1 मोलर सॉल्वेंट लूँगी, उसको सॉल्यूशन लूँगी, उसको पानी में डिजोल्व करूँगी, उसकी कंडक्टिविटी जो होगी उसे बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला है लैम्डा एम से हम मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं, के वी इंटू वी, वी वॉल्यूम है, फिर मैं यहाँ पे 1000/c की वैल्यू डालूँगी, और यहाँ पे मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मोलैरिटी आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पूरा के सी इंटू 1000/mol मोलर कंडक्टिविटी।